दिस न्यूज इज को स्पॉन्सर्ड बाय मोती महल डीलक्स 100 ईयर्स ऑफ ब्रिलियंस एंड आशी द फैशन स्टूडियो। राष्ट्रीय डेंगू दिवस को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी जोनल अस्पताल द्वारा बॉयज स्कूल मंडी में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नगर निगम के महापौर दीपाली जसवाल उपस्थित रही। इस दौरान नगर निगम के महापौर दीपाली जसवाल ने कहा कि डेंगू एक जानलेवा बीमारी है और बरसात के मौसम में डेंगू से कैसे बचना चाहिए, इस बारे में आज जोनल अस्पताल से आए जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश ठाकुर बॉयज स्कूल के बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। नगर निगम की महापौर दीपाली जसवाल ने कहा कि नगर निगम की जहां पर भी मंडी शहर में आवश्यकता होगी वहां नगर निगम द्वारा पूरी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। पिछले कल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया, लेकिन पिछले कल बुध पूर्णिमा होने के कारण छुट्टी थी, इस वजह से हम लोग ये प्रोग्राम यहाँ स्कूल में हमारा था कि स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे, तो हेल्थ डिपार्टमेंट के सहयोग से बॉयज स्कूल में ये अवेयरनेस डेंगू अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जो कि छुट्टी होने के कारण आज किया गया। तो इसका मेन मकसद था कि जो डेंगू के कारण जो बीमारियां फैलती हैं उसे कैसे रोका जाए। डेंगू मच्छर के काटने के कारण जो है वो काफ़ी तेज़ बुखार आता है और बहुत ज़्यादा शरीर में पेन्स होती है और हेडेक होती है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये इसका मेन मकसद था। और बच्चों को अवेयर करना था, हमारा मेन मोटिव था। तो बच्चों को अवेयर करने का जो मेन हमारा जो कारण था वो ये था कि बच्चे हैं, कई बच्चे इस हम बॉयज़ स्कूल गांव के बच्चे हैं, कई शहर के बच्चे हैं, तो वो अपने गांव में भी इस चीज़ को लोगों को अवेयर करें कि, और जो कस्बे हैं यहाँ मंडी टाउन से यहाँ के भी काफ़ी बच्चे बॉयज़ स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो बच्चे भी आगे लोगों को अवेयर करें कि आप साफ सफाई का ध्यान रखें और ज़्यादा पानी स्टैग्नेट ना होने दें जिससे गंदगी फैलती है, जैसे जहाँ नालियाँ ब्लॉक होंगी वहाँ गंदगी फैलेगी, तो ज़्यादा पानी का कोई इकट्ठा ना होने दें, बाकी घर की साफ़ सफाई ज़्यादा रखें, आंगन में जैसे आपके गमले वगैरह हम पूरी दिन नियमित सफाई करें, पानी वहाँ भी ज़्यादा इकट्ठे ना होने दें, और घरों में तो खैर आजकल स्पेशली सबके घर में जाली वाले दरवाजे लगे हैं, पहले मच्छरदानी का उपयोग किया जाता था, परंतु आजकल ऐसा अपने ख्याल हर एक घर में करेंगे जहाँ जाली वाले दरवाजे ना हों। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश ठाकुर ने बताया कि प्रदेश और जिला में अभी डेंगू के मरीज बहुत ही कम संख्या में हैं, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को डेंगू से बचाव के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक डेंगू की कोई वैक्सीन नहीं बनी है और डेंगू से बचने के लिए लोग अपने घरों के आसपास नालियों, पुरानी टंकियों और टायरों में पानी न जमा होने दें, घरों में जालीदार दरवाजे लगाएं, अपने शरीर को पूरी तरह कपड़ों से ढके रखें, इस तरह ही डेंगू वायरस से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि डेंगू होने पर व्यक्ति को तेज बुखार के साथ मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द महसूस होता है और गंभीर मामलों में नाक मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है, ऐसे में अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी जांच करवाएं ताकि इस गंभीर बीमारी से बचा जा सके। मई को हर साल मनाया जाता है, तब छुट्टी होने की वजह से आज जो है हमें इसको विजय हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ में मनाया जा रहा है, और इसका मेन उद्देश्य जो है कि डेंगू बीमारी है जो कि ईडीस एजिप्टियाई मच्छर होता है उसके माध्यम से, और जो मच्छर जो है जब कभी जब कोई व्यक्ति जो है वो संक्रमित होता है और संक्रमित मच्छर जब ईडीस एजिप्टियाई से जो खून चूसती है महिला जो फीमेल स्पीसीज होती है उसके माध्यम से जो है वो दूसरे और स्वस्थ व्यक्ति को भी वो बीमारी फैलाती है, तो इसका उद्देश्य यही है कि कैसे बीमारी को जो है रोका जा सके, और जो वेक्टर कंट्रोल है उसके ऊपर हमारा जो अवेयरनेस है कि जैसे जो जो ईडीज मच्छर है वो अंडा देता है, अंडे से प्यूपा बनता है, लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा और फिर अडल्ट मच्छर बनता है, तो जहाँ भी पानी जो साफ सुथरे पानी में जो अंडे देता है और अंडा जो है अंडे से लार्वा बनता है, लार्वे से अडल्ट प्यूपा और अडल्ट मच्छर, तो इस साइकिल को हम ब्रेक कर दें ताकि जो पानी है साफ़ सुथरा पानी बरसात के मौसम में जो इकट्ठा होता है आसपास उसको ना होने दें, और जितने भी फ्लावर पॉट्स है या जो सॉलिड वेस्ट होता है हमारा घरों में, जितने भी जंक मटेरियल है या टायर्स हैं या कोई दूसरा प्लास्टिक की बोतल है या लोहे का कोई भी बर्तन है उसमें जिसको थोड़ा सा पानी चाहिए होता है, लगभग 5 to 10 ml जो है वो अपने अंडे देने के लिए उसको पानी चाहिए होता है, जिससे जो है वो अपना आगे से आगे ये
दूसरे पनपते रहते हैं। के चैनल के लिए मंडी से शिवानी की रिपोर्ट।